हंटरगंज के डुमरी कला ग्राम में एनएसएस के बैनर तले 7 दिवसीय विशेष शिविर का हुआ शुभारंभ। अंधविश्वास से लोगों को बचने की दी गई सलाह। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के निर्देश अनुसार हंटरगंज के रामनारायण मेमोरियल कॉलेज के एनएसएस इकाई के द्वारा ग्राम डुमरी कला में 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ बृहस्पतिवार को किया गया। कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर जैनेन्द्र कुमार सिंह, कॉलेज परिसर में एनएसएस के सर्वण्य सेवकों को सामाजिक दायित्व और कर्तव्य का बोध कराते हुए रैली को शुभकामना के साथ रवाना किया। कार्यक्रम का नेतृत्व एनएसएस के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर फहीम अहमद कर रहे थे। इस मौके पर अंधविश्वास जैसे असामाजिक कुरीतियों से समाज को बचाने के लिए गाँव में घूम घूम कर लोगों को इससे बचने की अपील किया गया और कहा गया कि अंधविश्वास एक सामाजिक जहर है, इससे हर हाल में बचना है। रैली के उपरांत पुराना पंचायत भवन में ग्रामीणों के साथ एक विधिवत कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का आगाज एनएसएस गीत और क्लैपिंग के साथ किया गया। सभा की अध्यक्षता जेएसएलपीएस की सचिव गीता देवी ने किया, जबकि संचालन एनएसएस के वॉलंटियर नीरज भारद्वाज ने किया। इस मौके पर पंचायत की मुखियापति समरेश सिंह उर्फ पिंटू सिंह ने महती भूमिका निभाई। अंधविश्वास जैसे जटिल बिंदु पर रोहिणी रानी, चांदनी वर्मा, साद आलम, यास्मीन परवीन, स्नेहा लता, सौरभ सिंह ने भाषण और कविता के माध्यम से अंधविश्वास पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि हमारे समाज आज भी सांप काटने पर झड़वाने के लिए जाता है, जो चिंता का विषय है। इतना ही नहीं, अंधविश्वास के कारण ही गांव में एक दूसरे पर संदेह करते हैं कि कोई जादू टोना कर दिया है, जबकि बीमारी से पीड़ित होता है। कोई अनहोनी घटना पर लोग अंधविश्वास का शिकार हो जाते हैं, जो गलत है। किसी भी कीमत पर समाज को इससे बाहर निकलने पर बल दिया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में नीतीश कुमार, श्रवण राज गुप्ता, जावेद अख्तर, मुस्कान कुमारी ने महती भूमिका निभाई। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान पर रामनारायण कॉलेज के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रारंभ किया गया है और मुझे अपने इन लोगों ने मेरे अनुमति के अनुसार मुझे बुलाया गया है। मैं इनको सबसे पहले आशीर्वाद धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम को उज्ज्वल करें और एनएससी एकेडमिक क्रेड को आगे बढ़ावें और इनके साथ जो भी आगे अग्रतर कार्रवाई हो कॉलेज को विस्तृत करें। चूंकि इन्होंने पहले ही प्रयास इन लोग किया गया था, लेकिन इनको उपलब्धि नहीं पाई है। इन लोग प्रयास इन लोग किसी कार्रवाई के लिए उचित कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।